बॉलीवुड में ऐसे कई कपल्स हैं जिनकी पहली शादी भले ही उनकी मर्जी से हुई थी और उस शादी में बहुत प्यार मोहब्बत था, पर वो शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और कई साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मगर ये एक्ट्रेसेस जो दूसरी बीवी बनके उन एक्टर्स की जिंदगी में गई, कितने साल की होंगी जब उनके पतियों की पहली शादी हो रही थी? कभी आपने इस बारे में सोचा है? आइए आज हम आपको ये बताते हैं कि ये एक्ट्रेसेस कितने साल की थी अपने पतियों की पहली शादी के वक्त। नंबर वन, करीना कपूर खान। सैफ अली खान और करीना कपूर खान डेफिनेटली बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश कपल्स में से एक हैं। पर साल 1991 में सैफ की शादी हुई थी उस वक्त की सुपरस्टार एक्ट्रेस अमृता सिंह से। मगर इन दोनों के बीच कुछ हुआ और दोनों ने 13 साल बाद अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद टशन फिल्म की शूटिंग करते वक्त सैफ और करीना के बीच प्यार हुआ और तकरीबन 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। पर सैफ और अमृता की शादी के वक्त करीना महज 11 साल की थी। नंबर टू, हेमा मालिनी। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लव अफेयर ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। पर धर्मेंद्र की ऑलरेडी पहली शादी हो चुकी थी प्रकाश कौर से। शादी के कई साल बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में हेमा आई और उनसे शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने प्रकाश को तलाक देना चाहा, पर उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया और मजबूरन हेमा और धर्मेंद्र को अपना धर्म बदलकर शादी करनी पड़ी। पर इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि धर्मेंद्र की पहली शादी के वक्त हेमा सिर्फ 7 साल की थी। नंबर थ्री, किरण राव। आमिर खान ने घर से भागकर 1986 में अपनी पहली बीवी रीना दत्ता से शादी की थी, पर लगान के सेट्स पर उनकी मुलाकात किरण से हुई और उन्हें किरण से प्यार हो गया, जिसके बाद आमिर ने रीना को तलाक देकर किरण से शादी कर ली। वेल, आमिर और रीना के शादी के वक्त किरण सिर्फ 13 साल की थी। नंबर फोर, मान्यता दत्त। संजय दत्त की तीसरी बीवी यानी कि मान्यता दत्त महज 8 साल की थी उनके पहले शादी के वक्त, जो हुई थी ऋचा शर्मा से साल 1987 में। नंबर फाइव, अंकिता कोनवर। मिलिंद सुमन, इंडियन सुपर मॉडल, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और फिटनेस प्रमोटर, जो अपने केयरफ्री अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहली शादी हुई साल 2006 में फ्रेंच एक्ट्रेस माइलीन जैम्पनोई से, पर इन दोनों का डिवोर्स हो गया 2009 में। मिलिंद के पहले शादी के वक्त अंकिता सिर्फ 15 साल की थी। क्यों थे ना ये फैक्ट शॉकिंग? आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार अपडेट्स और स्पाइसी गॉसिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को।